हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। अच्छा, यूपीएससी का सिलेबस कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा ये ज्योग्राफी का है। पॉलिटी भी साथ साथ चल रही है। आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक करेंगे जो कि है वोल्केनोस, वोल्केनिक लैंड फॉर्म कह सकते हैं या टाइप ऑफ वोल्केनोस कह सकते हैं। क्लियर? तो अगर एनसीईआरटी की हेडिंग के हिसाब से देखें तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं वोल्केनोस एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि लैंडफॉर्म्स क्या, जो ये वोल्केनो है, क्लियर, वोल्केनो की जो एक्टिविटी है उससे होता क्या है। लैंडफॉर्म होता है, नया लैंड बनता है। क्यों? क्योंकि जो मैग्मा निकल के आएगा, जो लावा निकल के आएगा, वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद वी विल सी अ न्यू काइंड ऑफ लैंडफॉर्म, रॉक्स बनेंगे ठंडा होने के बाद। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। वोल्केनो, अरे ई कहां से, तो अब वोल्केनो इज द प्लेस वेयर गैस, एशेस और द मोल्टन रॉक मटेरियल लावा एस्केप द ग्राउंड। ये जगह का नाम है, प्लेस वेयर गैस, एश, मैग्मा या लावा कम्स टू द सरफेस। वो जगह जहां से वोल्केनो, वो जगह जहां से गैस, एश, मैग्मा, क्योंकि वोल्केनो जब फटेगा तो बहुत सारी एश, राख, धुआं, छोटे पार्टिकल, लावा बाहर निकलेगा। तो जो जगह है उसको कहा जाएगा वोल्केनो। प्रोसेस से क्या बनेगा? लैंडफॉर्म। क्लियर? ये बात आपको समझ आ रही? ओके। सो अ वोल्केनो इज कॉल्ड एन एक्टिव वोल्केनो इफ द मटेरियल मेंशन्ड आर बीइंग रिलीज्ड और हैव बीन रिलीज्ड इन द रिसेंट पास्ट। तो वोल्केनो जो है वो एक्टिव या इनएक्टिव हो सकते हैं। एक्टिव वोल्केनो वो जिन्होंने रिसेंटली एक दो साल में या कुछ साल में जो है एशेज बाहर फेंके हो या लावा उनसे बाहर निकला हो, जो इरप्ट हुए हो बेसिकली। क्लियर? इनएक्टिव वोल्केनो जो लॉन्ग टाइम से जिनमें कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है, दोज वोल्केनोस कैन बी कॉल्ड एज इनएक्टिव वोल्केनोस। क्लियर? आप देखिए ये जो लावा आता है ये आता कहां से है? ये आता है एस्थेनोस्फेयर से। क्लियर? जो कि किसका पार्ट है? मेंटल का। अपर पार्ट तो क्या है? क्रस्ट। अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारा अपर पार्ट तो हो जाता है क्रस्ट, फिर हमारा आ जाता है मेंटल। तो मेंटल में जो अपर पार्ट है, अपर लेयर है एक, उसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्लियर? सो यहां से द मेंटल कंटेन अ वीकर जोन कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। इट इज फ्रॉम दिस दैट द मोल्टन रॉक मटेरियल फाइंड्स देयर वे टू द सरफेस। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं ये मेंटल का, यहां पे ऐसे एस्थेनोस्फीयर, तो यहां पे जो है मोल्टन फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म में हमारा मैग्मा मौजूद होता है जो धीरे धीरे क्रैक्स के थ्रू कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। क्लियर? और जहां से वो निकलेगा उस जगह को क्या कहा जाएगा? वोल्केनो।
क्लियर है? चलिए, सो द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा. वंस इट स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स द क्रस्ट एंड रीचेस द सरफेस इट इज रेफर्ड एज लावा. तो ये बात देखिए कि ये जो वर्ड मैग्मा एंड लावा है, ये दो अलग अलग हैं. जब वो सरफेस पे पहुंच जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा लावा, लेकिन अगर वो सरफेस पे नहीं है तो उसका नाम कहा जाएगा, अगर अंदर है तो उसका नाम कहा जाएगा मैग्मा. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये सिंपल सा जो है पोर्शन था. अच्छा, एनसीईआरटी में एक वर्ड मौजूद है, दैट इज कॉल्ड पायरोक्लास्टिक डिब्री. पायरोक्लास्टिक डिब्री मतलब गैसेस, एशेस, जो भी कुछ वोल्केनो से निकलेगा, क्लियर, मटेरियल, उसको क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्टिक डिब्री. क्लियर? चलिए, एश, डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, माइनर अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन. तो गैस कौन सी निकलती है, मतलब पायरोक्लास्टिक डिब्री में क्या क्या आ जाएगा? एश, डस्ट, और गैस के अंदर अगर हम देखें तो गैस हमारे पास आ जाएगी नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड्स एंड माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन. तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स निकलते हैं, सल्फर कंपाउंड्स निकलते हैं. स्मॉल अराउंड अमाउंट में क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन. ये सभी कंपोनेंट्स हैं जो गैसेस फॉर्म में निकलते हैं. वाटर वेपर भी जो है, ये स्टार्टिंग में जो है हमने देखा था कि आसपास की भी जो हवा होगी उसको भी और ज्यादा गर्म कर देंगे, जिससे जो है वाटर वेपर्स जो है बनने लग जाएंगे. इसके बाद जो है, क्योंकि एटमॉस्फेयर काफी गर्म हो जाता है, इवेपोरेशन बढ़ जाती है, उसकी वजह से ही हम देखते हैं कि बाद में बारिशें भी होती हैं. क्लियर? उसका भी अलग से हम प्रोसीजर देखेंगे. चलिए, तो वोल्केनो समझ आया, वो जगह जहां से ये सारी चीजें बाहर आएंगी, पायरोक्लास्टिक डिब्री, इन सभी चीजों को मिला के अगर एक वर्ड में कहें तो पायरोक्लास्टिक डिब्री हो जाएगा. क्लियर? तो एश, डस्ट, गैस कौन सी, नाइट्रोजनस गैस, सल्फर गैस, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन, दीज आर द मेजर गैसेस दैट कम्स आउट. चलिए, अब बात कर लेते हैं कि वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में. किसके बारे में? वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में. तो वोल्केनो के बारे में आपको आइडिया मिल गया, ये जगह है, लैंडफॉर्म प्रोसेस है. चलिए, अब मैं इसको रब कर देता हूं. तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म के बारे में, सबसे पहले इसकी जो कैटेगरी बन के आती है वो आती है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स आर डिवाइडेड इनटू एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स. मतलब जो नई लैंड बनेगी वो एक्सट्रूसिव होगी या फिर इंट्रूसिव होगी. इन दोनों वर्ड्स को समझिए पहले. एक्सट्रूसिव, इस शब्द में एक्सट्रूसिव एक्स लगा है तो इसका मतलब होता है बाहर, और इंट्रूसिव इनका मतलब होता है अंदर. आई होप ऐसे ही लिखते हैं. क्लियर? इनसाइड, दिस मींस आउटसाइड. क्लियर? तो अगर हमारा मैग्मा बाहर आ जाता है, क्लियर, तो वो जो हमारा लैंडफॉर्म होगा वो एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म होगा, क्योंकि जो नई लैंड बनेगी वो क्रस्ट के सरफेस पे बनेगी, बाहर बनेगी. अगर मैग्मा बाहर नहीं आता है, वो अंदर ही क्रस्ट में या अपर मेंटल में या लोअर क्रस्ट में कहीं पे भी वो सेटल होके ठंडा हो जाता है. मतलब जो नया लैंडफॉर्म हुआ है, जो रॉक्स की फॉर्मेशन हुई है, वो कहां हुई है? वो अंदर ही हुई है, वो सरफेस पे नहीं हुई है अर्थ के. उस टाइप को कहा जाएगा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स. क्लियर है? बेस्ड ऑन वेदर द मैग्मा कूल्स विद इन द अर्थ क्रस्ट और आउटसाइड. तो ये बात आपको क्लियर है कि दो कैटेगरी बन गई, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव. इनको मैं यहां लिख लेता हूं कि इसमें भाई दो कैटेगरी है. एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव. तो पहले हम बात करेंगे, अच्छा,
जो रॉक बनता है ये भी देख लेते हैं. रॉक फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा विद इन द क्रस्ट आर कॉल्ड प्लूटोनिक एंड ऑन द सर्फेस दे विल बी कॉल्ड इग्नियस रॉक. क्लियर? तो एक्सट्रूसिव बाहर आ जाएगा तो रॉक फॉर्मेशन कौन सा होगा? मैग्मा अगर बाहर आके ठंडा हो जाएगा तो उस रॉक फॉर्मेशन को कहा जाएगा इग्नियस रॉक्स. जबकि मैग्मा फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ द मैग्मा सॉरी रॉक फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ द मैग्मा विद इन द क्रस्ट आर कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक्स. सो अगर अंदर ठंडा हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्लूटोनिक रॉक्स. क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं. सबसे पहले एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं. क्लियर? एक्सट्रूसिव जो है इसके आगे हम सारी कैटेगरीज देखेंगे. एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, चलिए. सो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम मटेरियल थ्रोन आउट ऑन द सर्फेस. पता ही है बाहर जो मटेरियल निकल के आएगा उससे जो लैंडफॉर्म बना होगा उसको कहा जाएगा एक्सट्रूसिव. द मटेरियल थ्रोन आउट इंक्लूड्स, काफी चीजें होती हैं, लावा, पायरोक्लास्टिक पायरोक्लास्टिक डेब्री, वोल्केनिक बॉम्ब्स, डस्ट, एश, गैसेस, नाइट्रोजनस. ये सब मैंने जो है एनसीईआरटी से आपको बता दिया है. ठीक है, ये सब कर चुके हैं. अब आ जाते हैं कि एक्सट्रूसिव में फर्दर टाइप्स कैसे कैसे होते. क्लियर? एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव में कैसे कैसे टाइप्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं. तो एनसीईआरटी के लिहाज से अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के लिहाज से आपके जो टाइप्स हैं वो आपके आते हैं शील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, कालडेरा एंड फ्लड बसाल्ट, फिर मिड ऑसियनिक रिज. क्लियर? तो ये तो करने ही करने हैं, कुछ और भी बातें करेंगे. तो एक्सक्लूसिव में सबसे पहला आ जाएगा शील्ड वोल्केनो. क्लियर? अच्छा, इसके बाद जो है एक काम करते हैं, बारी बारी लिख लेता हूं. मतलब पांच टाइप फॉर्म्स हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, शील्ड, कंपोजिट एंड फ्लड बेसाल्ट, क्लियर, मिड ओशियनिक एंड कल्डेरा. दीज आर व्हाट वी हैव टू स्टडी. लेकिन हम थोड़ा सा जो है अलग रूट अपना लेंगे. क्लियर? एक एक के बारे में एक टाइम पे बात करते हैं और फिर बात करते हैं कि वो कैसे कैसे जो है जनरेट होगा. तो सबसे पहले बात करते हैं शील्ड टाइप ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स. सो दीज वोल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्टिक लावा. तो इसके बारे में अगर हम देखें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेड ऑफ बेसाल्टिक लावा. बेसाल्ट क्या होता है? कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है किसमें, लावा में. क्लियर? इसकी वजह से होता क्या है, अब ये होता है काफी फ्लूइड. वेरी फ्लूइड मतलब लिक्विड फॉर्म कुछ ज्यादा ही होगी, इसका मतलब ये दूर तक ट्रेवल कर पाएगा. आप इस तरीके से देखिए कि ये लावा है और सॉरी ये वोल्केनो है, और इसमें जो है वोल्केनो यहां से ऐसे लावा निकल रहा है, उसमें रिस रहा है येलो येलो फॉर्म का. ये दूर दूर तक जो है ट्रेवल कर सकता है. क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है वो हाई है. क्लियर? बेसिकली इसकी विस्कोसिटी अगर कहें तो वो हाई है, ये दूर तक फ्लो कर सकता है. क्यों? क्योंकि यहां पे जो फॉर्म निकली है लावा की वो थोड़ी सी पतली है, लिक्विड टाइप है. क्लियर? देखिए आपने कई जगह देखा होगा कि वोल्केनो जो होता है वहां से अगर हैवी निकलेगा मतलब लेस फ्लूइड होगा तो वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा. लेकिन क्या होता है जो आप कह सकते हैं कि पतलापन होता है, जैसे आप देखिए कि जेल जो होती है, जेल जेल भी एक लिक्विड होता है. क्लियर? लेकिन वो फ्लो नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि उसकी फ्लूइड प्रॉपर्टी उस तरीके की नहीं है. जबकि पानी है वो ज्यादा फ्लूइड है, ज्यादा विस्कस है, वो आराम से फ्लो कर जाएगा. क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी में फर्क है. बात समझ आ रही है? तो वेरी फ्लूइड मतलब ये ज्यादा फ्लो करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये पानी है. क्लियर? जो लेस फ्लूइड होंगे वो कम फ्लो कर पाएंगे. तो यहाँ पे इनका जो कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है वो क्या आता है कि बेसाल्टिक लावा से बने होते हैं और वेरी
फ्लूइड होते हैं, दे आर नॉट स्टीप. स्टीप स्टीप होती है ऐसे खड़ी चढ़ाई, जैसे यहां पे ऐसे निकल रहा. क्यों? क्योंकि ये जो है लिक्विड फॉर्म में है, दूर तक फ्लो करेगा. तो बेसिकली होगा क्या कि अपर साइड फॉर्मेशन नहीं बनेगा. इस बात को समझिए, ये है वोल्केनिक ट्यूब जिसमें से बिल्कुल नीचे से जो है वोल्केनो यहां से ऊपर आ रहा है. अब क्योंकि वोल्केनिक कैसा है, लावा ऊपर आ रहा है, तो लावा कैसा है, फ्लूइड है, या अंदर से आ रहा है तो मैग्मा आ रहा है, बाहर आएगा तो लावा बन जाएगा. तो जब मैग्मा आ रहा है वो बाहर निकलता है, लावा कैसा है, बहुत ज्यादा फ्लूइड है. तो बेसिकली होगा क्या कि वो आराम से जो है नीचे जो है फ्लो करता रहेगा यहां से. बात समझ आए? इससे इसकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी. तो बेसिकली आप देखेंगे कि स्टीपनेस ज्यादा नहीं होगी, चढ़ाई ज्यादा नहीं होगी. क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से ये साइड का जो रॉक है ये भी पिघल जाएगा और आराम से वो बाहर निकलता रहेगा. तो बेसिकली ये आपको इस तरीके से दिखेगा कि अगर आप ये ग्राउंड है तो आप देखिए यहाँ पे चढ़ाई कैसी है, बहुत ज्यादा खड़ी तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप लैंड फॉर्म लगा दीजिए कि ये बाहर बस रिश्ता रहेगा. ठीक है, आप इसका जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं हवाईयन वोल्केनोस दैट आर एक्टिव शील्ड वोल्केनो. तो एक एक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं हवाईयन वोल्केनो. तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, स्टीप नहीं है. स्टीप ना होने का कारण क्या है, क्योंकि वेरी मच फ्लूइड. क्लियर? द लावा इज वेरी फ्लूइड, वो एकदम से बाहर निकल के और बहने लग जाता है. तो इस वजह से उसका हाइट जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता. चलिए दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ सम हाउ वॉटर गेट्स इन टू द वेंट, अदरवाइज दे आर लेस एक्सप्लोसिव. तो अगर पानी चला जाए वॉटर इन साइड वेंट, वेंट मतलब वो ओपनिंग, ये है ऐसे वो ओपनिंग जहां पे, यहां पे अगर पानी चला जाए तो वो हो जाएंगे एक्सप्लोसिव. अदरवाइज यूजुअली क्या होते हैं, आमतौर पे लेस एक्सप्लोसिव. जैसे आप देखेंगे कि कई किसी किसी वोल्केनो में जो अभी पीछे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था टोंगा आइलैंड, तुलवालु आइलैंड के आसपास हुआ था शायद, वहां पे आप देखेंगे कि क्लाउड डस्ट बन गया था, वो एकदम से फटा था और बहुत कुछ ऊपर फेंका था. क्लियर? तो इनमें वो खासियत नहीं होती, इनमें एक्सप्लोजन नहीं होते ऐसे इतने बड़े बड़े एक्सप्लोजन. क्लियर? कि उससे कोई प्रॉब्लम बने. क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम रिश्ते रहते हैं. क्लियर? ये बहुत ज्यादा ऊंची चीजें नहीं फेंकते, एशेज यहां से ऐसे नहीं निकलती, ये जो है बड़े बड़े क्लाउड फॉर्म नहीं करते ब्लास्ट होके, इस वजह से. क्लियर? चलिए एग्जाम्पल समझ आया, कैरेक्टरिस्टिक समझ आए. ये तीन इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. तो ये आपका हो गया शील्ड वोल्केनो. क्लियर? अब इसके आगे बात करते हैं एनसीईआरटी में नेक्स्ट दे रखा है कंपोजिट वोल्केनो, उसके बारे में बात करते. तो शील्ड वोल्केनो आपका समझ आया, अब आ जाते हैं कंपोजिट वोल्केनो. पहला मैं ये मैंने डिस्कस कर लिया तो मैं लिखा रहने देता हूं, नाम याद हो जाएंगे. सेकंड पे आ जाते हैं कंपोजिट वोल्केनो. चलिए कंपोजिट वोल्केनो के बारे में बात करते हैं. सो दे आर कॉनिकल और सेंट्रल टाइप ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स. तो शेप कैसा होता है इनका, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉनिकल या सेंट्रल टाइप. तो देखिए कौन की शेप क्या होती है, ये होती है कोन की शेप. क्लियर? अब जो यहां पे
दो टाइप की वेंट होती हैं, एक होती है कॉनिकल वेंट, एक होती है फिशर वेंट। इसको समझिए पहले, ये है कॉनिकल वेंट, मैं ऊपर से ऐसे उड़ा देता हूं, तो अब यहां से जो है काफी हाइट से ऐसे वोल्केनो जो है निकलेगा, इरप्ट होगा। क्लियर? ये हो गया कॉनिकल वेंट। ये क्या हो गया? कॉनिकल वेंट, इट्स अ नैरो सिलेंड्रिकल वेंट थ्रू विच द मैग्मा फ्लोज आउट वायलेंटली। क्यों? क्योंकि स्पेस कम है, तो यूजुअली ये जो है वॉयलेंट इरप्शन के लिए भी कारण होता है। क्योंकि एक तो पहले ही अगर मान लिया नॉर्मल ग्राउंड की लैंड की हाइट ये है, तो वोल्केनो की हाइट ये है, अब ये अगर फटेगा तो ऐश का डस्ट क्लाउड जो है काफी बड़ा ऐसे 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 डस्ट क्लाउड बनेगा, और फिर लावा जो है वो भी बाहर आने लग जाएगा। सो दिस इज कॉनिकल वेंट। ये कौन सी वेंट है? कॉनिकल वेंट। तो बेसिकली जो कंपोजिट वोल्केनो होते हैं, अच्छा शील्ड वोल्केनो आपको क्या लगता है, शील्ड भी कैसे थे? कॉनिकल ही थे, क्लियर? लेकिन उनकी जो है हाइट ज्यादा नहीं होती है, क्लियर है? वो भी कॉनिकल टाइप की ही वेंट, लेकिन हाइट ज्यादा नहीं होती है, वो स्टीप ज्यादा नहीं होते हैं, वो बिल्कुल मतलब हल्का सा ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे बस यहां तक ऐसे, यहां से ऐसे, तो हाइट ज्यादा नहीं देखने को मिलती है वहां पे। तो बेसिकली कॉनिकल वेंट इस तरीके का होता है। अब जो कॉनिकल नहीं होता है, अगर कोई वेंट कॉनिकल नहीं है तो वो क्या है फिर? उसको कहा जाता है फिशर वेंट। क्या कहा जाता है? फिशर वेंट। तो मान लीजिए ये आपका लैंडफॉर्म है, यहीं पे जो है धरती फट जाएगी लैंडफॉर्म, और इसी में से जो है लावा बाहर आने लग जाएगा, क्लियर? तो फिशर वेंट या वोल्केनिक फिशर इज नैरो लीनियर वोल्केनिक वेंट थ्रू विच लावा इरप्ट यूजुअली विदाउट एनी एक्सप्लोसिव एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि लैंड फॉर्म है, यहाँ पे आपका नॉर्मल लैंड है, और उसके ऊपर जो है ये लावा जो है निकलता गया, ठंडा होता गया, दूर दूर तक फ्लो करता गया, क्लियर? तो ये है फिशर वेंट। कौन सी वेंट है? फिशर वेंट है ये, ठीक है? चलिए, यूजुअली विदाउट एन एक्सप्लोजन द वेंट इज ऑफन अ फ्यू मीटर्स वाइड एंड मे बी मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग, एंड फिशर वेंट आर कॉमन इन बेसाल्टिक या शील्ड वोल्केनोस टाइप में, क्लियर? क्यों? क्योंकि देखिए वहां पे वो जो शील्ड वोल्केनो के बारे में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि स्टीपनेस ज्यादा नहीं होती है, क्लियर? तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं कि वो कौन एग्जैक्टली कौन कैसा होना चाहिए? कौन तो ऐसा होना चाहिए, क्लियर, काफी ऊपर तक जाना चाहिए, तो हम उसको जो है कौन की कैटेगरी में ना डाल के किसकी कैटेगरी में डाल देते हैं? क्यों? क्योंकि लावा जो होता है वो बस आराम आराम से पानी की तरह बहता रहता है, तो उसको हम अब किस में डाल लेते हैं? फिशर वेंट के वो ज्यादा करीब है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो है, एक तो इसमें वॉयलेंट नहीं है इरप्शन, क्लियर? क्यों? क्योंकि जो कॉनिकल था उसमें इरप्शन कैसा था? वॉयलेंट था। दूसरा है ये भी कौन ही, लेकिन बहुत छोटी हाइट का है, इसीलिए हम इसको किससे मैच कर सकते हैं? फिशर इरप्शन से मैच कर सकते हैं। तो ये किस में डाल देंगे हम? फिशर वेंट वाले में डाल देंगे, क्लियर? कि हमारा जो शील्ड वोल्केनो है ये लगता तो है, लेकिन एक्चुअली ये किस में जाएगा? फिशर वेंट में। क्यों? क्योंकि नॉन वॉयलेंट है और लेस हाइट है, और जो हमारा कंपोजिट है ये किस में जाएगा? कॉनिकल में, क्लियर? अब कॉनिकल में जाएगा तो व्हाट डू यू थिंक, किस टाइप का वोल्केनो होगा ये? ऑब्वियस बात है वॉयलेंट होगा, क्लियर? So, along with lava, large quantities of pyroclastic material and ashes find their way to the surface. तो violent होता है, lava plus pyroclastic material comes out. क्योंकि देखिए material तो same ही बाहर आएगा, material अलग नहीं आएगा, चाहे आपका वो जो है shield हो चाहे composite हो मेटीरियल, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट में जो मैग्मा बन रहा है वो तो सेम ही है, क्लियर? उसी को तो ऊपर आना है, बस क्या है कि वो मैग्मा किस तरीके से ऊपर आया है और ऊपर आने के बाद उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके हिसाब से जो है ये वोल्केनो उसके टाइप बन जाते हैं। तो दो टाइप आपको समझ आए, शील्ड कंपोजिट, इनके बीच के डिफरेंसेस समझ आए, क्लियर है? चलिए कंपोजिट वोल्केनो का अगर आप
एग्जाम्पल लें तो माउंट फूजी, आप मुझे बताएंगे माउंट फूजी है कहां पे, नाम से ही पता लग रहा होगा फूजी किस टाइप का नाम है, क्लियर। या माउंट वेरेस्वस, ये दो हैं, इनके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। कॉमन कौन, कंपोजिट कौन वोल्केनोस। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लाइंग बेसाल्ट, पहले कर लेते हैं, कैल्डेरा बाद में देखेंगे, या पहले कैल्डेरा कर ले, एनसीईआरटी के हिसाब से ही चल ले। फ्लड बेसाल्ट लैंडफॉर्म कर लेते हैं पहले, ठीक है। सो थर्ड टाइप हमारे पास आ जाता है फ्लड बेसाल्ट लैंडफॉर्म। समझ आया फ्लड बेसाल्ट लैंडफॉर्म। तो यहां पे क्या है, मैग्मा तो बाहर आएगा ही आएगा, क्लियर। लेकिन समटाइम्स अ वेरी थिन मैग्मा एस्केप्स थ्रू क्रैक्स एंड फिशर्स इन द अर्थ सर्फेस एंड फ्लो आफ्टर इंटरवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्प्रेडिंग ओवर वास्ट एरिया, फाइनली प्रोड्यूसिंग अ लेयर्स अंडुलेटिंग वेव लाइक फ्लैट सर्फेसेस, क्लियर। तो प्लेन कैसा है इसका, बेसिकली जो बाहर आने का फॉर्म है वो कैसा है, वो है फिशर्स। कि यहां पे भी कोई हाइट नहीं होती, बेसिकली जमीन से धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा लावा क्या होता रहेगा, बाहर आता रहेगा, क्लियर, टाइम टू टाइम, और एक लेयर्स बनती चली जाएंगी, क्लियर। सो क्लोज आफ्टर इंटरवल फॉर लॉन्ग टाइम एंड स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया, फाइनली प्रोड्यूसिंग अ लेयर्ड एंड अंडुलेटिंग, मतलब वेव लाइक फ्लैट सर्फेस, क्लियर। सो लेयर्स बनती चली जाती हैं, फ्लैट सर्फेस होता है क्यों, क्योंकि बेसिकली जमीन से बाहर आ रहा है। फिशर में क्या होता है कि हाइट तो है ही नहीं, जमीन से ही बाहर आता जाएगा, बाहर आता जाएगा तो वो नीचे जो है बहता जाएगा, क्लियर। लेयर जैसे मान लिया ये जमीन है, यहां से फटा हुआ है तो वोल्केनो निकला, ऐसे 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 वो सारी जगह फैलता चला गया। अब फिर ये ठंडा होने लगा, थोड़ी देर बाद मतलब कुछ थोड़े से टाइम के बाद फिर से बाहर आने लगा, फिर कई दिनों तक बाहर, लॉन्ग टाइम तक, उसके ऊपर एक और लेयर बन गई, फिर थोड़ा रुक गया, फिर दोबारा थोड़े टाइम बाद फिर उसके ऊपर और थर्ड लेयर चढ़ने लग गई, क्लियर। तो इस टाइप से क्या होता है, लेयर्स बनती चली जाती है, क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड फ्लड बेसाल्ट लैंडफॉर्म। क्यों, क्योंकि जैसे फ्लड आती है कि एक नदी होगी और नदी में से पानी जो है उसके प्लेन्स को तोड़ के और उसके बाहर आ जाएगा, अपने बेसिन को तोड़ के उसके बाहर आ जाएगा और बहता रहेगा इधर उधर, क्लियर। चलिए सो एग्जाम्पल है साइबेरियन ट्रैप्स, डेकन ट्रैप्स, स्नेक बेसिन, क्लियर। तो एग्जाम्पल एक ही है काफी, साइबेरियन ट्रैप्स। एग्जाम्पल यूजुअली आते नहीं है लेकिन हो सकता है, अब आजकल जो यूपीएससी है वो मैच द फॉलोइंग टाइप करने लग गई है, तो एग्जाम्पल देके ये बता दे कि किस टाइप का वोल्केनो है, ये फ्लड बेसाल्ट है या शील्ड है या कंपोजिट है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे, दैट इज कल्डेरा। चलिए नाउ तीन हो गई, फोर्थ पे आ जाते हैं। इसके बारे में देखिए, इन सम वोल्केनोस द मैग्मा चैम्बर बिलो द सरफेस मे बी एम्प्टीड आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें लेयर्ड काइंड ऑफ सिस्टम, क्लियर। पहली चीज तो
दे आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑन द अर्थ वोल्केनो. तो मोस्ट एक्सप्लोजिव पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है, सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव टाइप कौन सा है, कैल्डेरा. क्लियर. दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोजिव दैट व्हेन दे एरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ रादर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर. द कोलैप्स डिप्रेशन आर कॉल्ड कैल्डेरास. देयर एक्सप्लोसिवनेस इंडिकेट दैट द मैग्मा चैम्बर सप्लाइंग द लावा इज नॉट ओनली ह्यूज बट इज ऑल्सो इन क्लोज विसिनिटी. होता क्या है कि एक्सप्लोशन इतना तगड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि जैसे ये फटेगा ना, बहुत ऊपर तक सारी चीजें उछलेंगी, सारा मैग्मा उछलेगा, और वो फिर वापस से जब नीचे बने गिरेगा तो वो खुद में ही कोलैप्स होगा. क्लियर. तो बेसिकली होता क्या है यहां पे, चैम्बर सिस्टम आप इसको समझ के देखिए कि चैम्बर सिस्टम कैसे काम करते हैं. इस बात को आप देखिए, ये तो आपको पता लगा कि सबसे ज्यादा खतरनाक यही है. क्लियर. तो यहां पर होता क्या है कि देखिए, वोल्केनिक मटेरियल अबव द चैम्बर कोलैप्स इनटू द एम्प्टी मैग्मा चैम्बर एंड कोलैप्स सरफेस अपीयर्स लाइक अ लार्ज कॉल्ड्रन लाइक होलो ट्यूब कॉल्ड द कैल्डेरा. देखो होता क्या है, आप इस तरीके से मानो कि ये वोल्केनो है जिसको फटना है, लेकिन इसका जो लावा सप्लाई होगा, लावा जो है धीरे धीरे ऊपर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, और वो जो है छोटे छोटे चैम्बर्स में, मतलब छोटे तो नहीं कहेंगे, बड़े बड़े चैम्बर्स में, खाली स्पेसेस में भरता जाएगा. अब वो भरता जाएगा, भरता जाएगा, उसके बाद जब फाइनली वो भरेगा तो एकदम से एक्सप्लोजन होगा. एकदम से क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, और ये सारा मटेरियल बाहर फेंका जाएगा. ये सारा मटेरियल जब बाहर आएगा ऐसे, तो यहां पे तो और मैग्मा आ जाएगा, क्योंकि ये जगह जब खाली हुई तो यहां पे क्या हुआ, और मैग्मा ने जगह ले ली नीचे से ऊपर आके, और फिर ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये भी वापस से इसी में ही कोलैप्स हो गया. तो इससे बहुत बड़ा एक क्रेटर क्रिएट हो जाता है, एक खड्डा क्रिएट हो जाता है बहुत बड़ा सा. क्लियर. इसीलिए इसका नाम क्या है, कैल्डेरा, जिसको क्या कहा जाता है, कैल्डेरा. सो व्हेन वाटर फ्रॉम रेन और मेल्टेड स्नो गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द कैल्डेरा इट बिकेम कैल्डेरा लेक और जनरली द क्रेटर लेक्स. क्लियर. तो होता क्या है, अब जैसे ये सब होगा, ये सारा का सारा होने के बाद क्या होगा, एक बहुत बड़ा सा खड्डा बन जाएगा, क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी, इस तरीके से बहुत बड़ा सा एक क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, और फिर धीरे 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 इसमें क्या होने लग जाएगी, बारिश, रेन या स्नोफॉल, जिससे यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक लेक फॉर्म हो जाएगी. क्लियर. तो इस टाइप की जो लेक्स है उनको क्रेटर लेक्स भी कहा जाता है. नाउ ड्यू टू देयर अनस्टेबल एनवायरमेंट सम क्रेटर लेक एग्जिस्ट ओनली intermittently. Caldera lakes in contrast can be quite large and long lasting. So usually jo crater lake hoti hai, jo actually iska bhi confusion chalta hai ki jo meteorite impact se bhi lake ban sakti hai, ye bhi ek possibility rehta hai agar aas paas mein koi volcano nahi hai, lekin caldera lake jo hai wo kafi zyada long lasting hoti hai. Kyun? Kyunki volcano phata. अब वोल्केनो फटने से एक काफी बड़ा जो है लैंडफॉर्म क्रिएट हो गया, जिसपे बहुत सारा पानी जो है स्टोर हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल ले तो लेक टोबा इन इंडोनेशिया. तो कैल्डेरा पे आप ध्यान देंगे कि यहां पे फॉर्मेशन ऑफ लेक्स भी हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ लेक इज अ पॉसिबिलिटी हियर. क्लियर. नाउ Lake Toba in Indonesia formed after a super volcanic eruption around 75,000 years ago is the largest crater lake in the world. Clear? तो ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में लेक टोबा. जो किसी volcanic process से बनी.
अब क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन से बनी है इसीलिए इसको क्या कैटेगराइज किया जाएगा, अ कैल्डेरा लेक। क्लियर? तो ये आज तक भी है। तो आप इसी तरीके से देखिए कि 75,000 साल पहले, लगभग 75,000 ईयर्स अगो, कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हुई जिससे जो लेक बनी वो आज भी प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली यू कैन से कि दे आर लॉन्ग लास्टिंग। क्लियर? काफी बड़ा इंपैक्ट होता है। क्लियर? एंड दे आर लॉन्ग लास्टिंग। चलिए, सो क्रेटर लेक, अब देखिए इसको भी जो है, ये जो लेक बनी इसको भी क्रेटर लेक कहा जाएगा, लेकिन एक और जो मीटियोराइट इंपैक्ट से जो लेक बनती है उसको भी क्या कहा जा सकता है, क्रेटर लेक। क्लियर? चलिए, हो सकता है पुराने टाइम में कोई बड़ा सा मीटियोराइट आया हो जो टकराया हो अर्थ सरफेस से, जिसकी वजह से कोई बड़ा सा एक होल क्रिएट हो गया हो, मतलब काफी बड़ी सी जो है एक लेक क्रिएट हो गई हो। ठीक है, कई जगह क्या होता है कि कई जगह उन लेक्स में पानी नहीं भर पाता, पानी नहीं पहुंचता, तो धीरे धीरे जब वो सूखने लगती है देन वी कैन एनालाइज कि हाँ ये जो है मीटियोराइट की वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि आसपास में वहां पे वोल्केनिक इरप्शन का चांस नहीं मिलता। तो आई गेस दीज थिंग्स आर क्लियर, आई होप। चलिए लास्ट में अब हमारे पास आ जाता है ओशियनिक रिजेस, मिड ओशियनिक रिजेस, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे एक्सक्लूसिव वाले, सारे कंप्लीट हो जाएंगे आपकी। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। तो अब बात कर लेते हैं एक्सक्लूसिव में, फिर मिड ओशियनिक रिजेस। सो द सिस्टम ऑफ मिड ओशियनिक रिजेस स्ट्रेच्ड फ्रॉम मोर देन 70,000 किलोमीटर अक्रॉस द ओशियन बेसिन। समुद्र के अंदर जो वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, समुद्र के सरफेस पे, मतलब ओशियन सरफेस पे जो वोल्केनिक एक्टिविटी है उसको कहा जाएगा मिड ओशियनिक रिजेस। क्लियर? लगभग 70,000 किलोमीटर तक फैला हुआ एक बेल्ट है। क्लियर? जिसको आप रिंग ऑफ फायर आपने सुना होगा, या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इस पे मोस्टली मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो वो बेसिकली क्या है, मिड ओशियनिक रिजेस का ही एग्जांपल है। क्लियर? द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द मिड ओशियनिक रिजेस एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट इरप्शन, सो लावा इज बेसाल्टिक, लेस सिलिका एंड हेंस लेस विस्कस, कॉज द स्प्रेडिंग ऑफ द सी फ्लोर। इससे क्या होता है, ये जो वोल्केनिक इरप्शन है इससे नया सी फ्लोर क्रिएट होता है, जबकि इनसे लैंड फॉर्म क्रिएट होता है क्रस्ट पे। ये किसके लिए है, सी फ्लोर क्रिएशन के लिए, कि वही वोल्केनिक एक्टिविटी अगर हमारी कहां पे होने लग जाए, सी फ्लोर पे होने लग जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिड ओशियनिक रिजेस। क्लियर है? चलिए, ओके, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है, वोल्केनिक रॉक्स या इग्नियस रॉक्स, ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। सो दीज वर द वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स दैट वर एक्सट्रूसिव। अब बात करते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स की। इंट्रूसिव फॉर्म, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अब वोल्केनो जो है वो बाहर नहीं आएगा, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही वो ठंडा हो जाएगा। और जो रॉक फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, प्लूटोनिक। तो अब बात करते हैं इंट्रूसिव की। अब लावा अगर बाहर नहीं आएगा तो अंदर कहाँ ठंडा होगा, किस किस जगह पे और कैसे हालात में ठंडा होगा, उसी के हिसाब से इनकी जो है कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है। तो बारी बारी समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। तो डेफिनेशन, जो मैग्मा होता है कहाँ ठंडा होता है, मैग्मा इनसाइड द क्रस्ट। क्लियर? सो मैग्मा कूल्स विद इन द क्रस्ट।
अब देखिए सरफेस तक तो पहुंचता ही नहीं है, जो सरफेस तक पहुंचता है वो हमने सारे कर लिए हैं, क्लियर। तो अब अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर ठंडा हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये देखिए एक आप एग्जांपल देखिए पहले। तो मान लिया ये एक मैंने जो है वेंट बना दी और इसके थ्रू जो है नीचे से लावा बाहर तक आ जाता है, तो यहां पे मैं बना लेता हूं एक ऐसे ही एक वोल्केनो। तो ये तो वोल्केनो से बाहर आ सकता है, तो ये तो हो गया एक्सट्रूसिव फॉर्म। और यहां पे हर जगह क्या कलेक्टेड है, मैग्मा लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में। तो यहां पे हर जगह है मोल्टन मैग्मा, तो ऊपर की तरफ तो उठने की कोशिश करेगा ही करेगा। लेकिन अगर वो बीच में ही कहीं ठंडा हो जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, इंट्रूसिव फॉर्म। जैसे मान लिया ये जो है ये ऐसे ऊपर भी लैंड फॉर्म है इस तरीके से, और यहां से मैग्मा कुछ यहां ठंडा हो गया इस तरीके से, क्लियर। या फिर कुछ जो है ऐसे भी बाहर फ्लो कर गया, थोड़ा बहुत फिशर वाले में ऐसे आ गया बाहर, क्लियर। और कुछ थोड़ा बहुत जो है काफी ऊपर तक पहुंचा, और लेकिन एग्जैक्टली ऊपर तक नहीं पहुंचा, यहां आके वो ठंडा हो गया, क्लियर है। चलिए सो यहां पे भी हो सकता है इस तरीके से जो है, लेयर फॉर्म में वो हो जाए। चलिए तो इसका कनेक्शन जो है मैं मेन स्ट्रीम से जोड़ देता हूँ, यहां से यहाँ पे। अच्छा ये है अर्थ सरफेस, ये है सरफेस, तो बेसिकली यहां आप देखेंगे कि अभी भी वो सरफेस के नीचे ही है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बैथोलिथ्स की। दीज आर लार्ज ग्रेनाइट रॉक बॉडीज फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट मैग्मा इन साइड द अर्थ। दे अपियर ऑन द सर्फेस ओनली आफ्टर द डेनुडेशन प्रोसेस रिमूव द ओवरलाइंग मटीरियल। बैथोलिथ्स फॉर्म द कोर ऑफ द ह्यूज माउंटेन एंड मे बी एक्सपोज्ड ऑन द सर्फेस आफ्टर इरोजन। तो बेसिकली जो टोटल लैंड फॉर्म है, मान ली यहां पे ये पूरा का पूरा जो है ये जिसके अंदर होगा उसको कहा जाएगा बैथोलिथ, क्लियर। क्यों? क्योंकि मान लिया ये आपका अंदर ठंडा हो गया, मान लिया बहुत साल पहले यहां पे इस लेवल पे इसके ऊपर सारा सरफेस था, यहां पे लावा जो है ठंडा हो गया, क्लियर। लेकिन धीरे धीरे ओवर द टाइम ये सरफेस हटता गया हटता गया हटता गया, नए रॉक्स आते गए ऊपर की तरफ, क्लियर। तो जब ये बाहर आके दिखने लग जाएगा दिस विल बी कॉल्ड द बैथोलिथ। सो दे आर लार्ज ग्रेनाइट रॉक बॉडीज फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट मैग्मा इन साइड द अर्थ। क्योंकि पहले तो ये कहा था अर्थ क्रस्ट के अंदर ही था, लेकिन ओवर द टाइम ऊपर से जब धीरे 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 रॉक्स हटने लगे, ओवरलाइन मटेरियल हटने के बाद जब ये लैंड फॉर्म उभर के आया तो इसको क्या नाम दे दिया गया, बैथोलिथ्स, क्लियर। चलिए उसके बाद आता है लैकोलिथ्स। दीज आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कंडक्ट फ्रॉम बिलो। नाउ दे आर इंट्रूसिव काउंटर पार्ट ऑफ द एक्सपोज्ड डोम लाइक बैथोलिथ्स, क्लियर। देखिए मान लिया ये वाला जो सरफेस है इसको क्या कहा जाएगा, लैकोलिथ्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लैकोलिथ। ये पाइप से कनेक्टेड है, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है यहां से, क्लियर। तो यहां पे ऊपर क्या है सरफेस, इसको मैं क्या कह देता हूं, बैकोलिथ, क्योंकि ये उजागर हो गया है, ये सरफेस पे आ गया है। अब इसके ऊपर से ये भी कभी जो है सरफेस के अंदर रहा होगा, लेयर्स रही होंगी, क्लियर। तो बैकोलिथ क्या हो गया है, अब बाहर आ गया है, क्यों? क्योंकि ऊपर की सारी लेयर्स हट गई है। लेकिन इसके नीचे जो अभी भी जो है मैग्मा फॉर्मेशन है उसको क्या कहा जाएगा, लैकोलिथ। क्या कहा जाएगा, लैकोलिथ। उसके बाद आ जाता है लैकोलिथ। एज वेन द मैग्मा मूव अपवर्ड अ पोर्शन ऑफ द सेम मे टेंड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेर एवर इट फाइंड वीक प्लेन्स। नाउ इट मे गेट रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स दिस इन केस इट डेवलप्स अ सॉकर शेप और कॉनकेव शेप स्काई बॉडी इट इज कॉल्ड लैपोलिथ, क्लियर।
लैपोलिथ क्या है? यहां पे आप ये फॉर्म देख सकते हैं, इनके अलग अलग नाम दे दिए जाएंगे। तो बेसिकली ये हैं लैपोलिथ, कि जब ये ऊपर आने लग रहे थे तो वीक रॉक्स की वजह से, जैसे मान लीजिए यहां पे इसको ये ऊपर आ रहा था मैग्मा, यहां पे इसको वीक रॉक्स मिले तो धीरे 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 यहां जमा होने लग गया। क्लियर? अर्थ फॉर्म के काफी अंदर है लेकिन धीरे 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 यहां जमा होने लग गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? लैपोलिथ। अब इसकी शेप के हिसाब से इनके अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, कि ये जिस शेप में जो है ये जमा हुआ है, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। क्लियर? इनको क्या कहा जाता है? अगर ये शीट लाइक स्ट्रक्चर है तो इनको क्या कहा जाएगा? सिल्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सिल। जैसे ये शीट लाइक स्ट्रक्चर अगर है तो इनको कहा जाएगा सिल, अगर ये शीट लाइक स्ट्रक्चर में है। सो दे विल बी नोन एज द सिल्स। अगर व्हेन द लावा मेक्स इट वे थ्रू द क्रैक्स एंड फिशर डेवलप, सो लैंड इन द लैंड इट सॉलिडिफाइड ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, इट गेट्स कूल्ड इन द सेम पोजिशन टू डेवलप अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर, सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड डाइक्स। क्लियर? अब अगर ये बाहर आके किस तरीके से बन जाए, यहां पे मान लिया ये बाहर आया और ऐसे का ऐसा ये ठंडा हो गया, यहाँ पे ही ठंडा हो गया ऐसे ही स्लांट शेप में, तो बेसिकली आप देखेंगे सरफेस पे इसने क्या बना दी? दीवार सी बना दी यहाँ पे। क्लियर? ठंडा होने के बाद यहाँ पे दीवार बन गई, तो इसको कहा जाएगा डाइक। क्या कहा जाएगा? डाइक। अगर ये एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा तो क्या कहा जाएगा इसको? डाइक। परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, इट गेट्स कूल्ड इन द सेम पोजिशन। सो दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन इंट्रूसिव फॉर्म्स इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया या फीडर फॉर द इरप्शंस। क्लियर? तो डाइक समझ आया, सील समझ आया। नाउ सारे हो गए हमारे क्लियर। अब आ जाते हैं फैकोलिथ्स पे। बेसिकली ये सारे जैसे जैसे आपके वोल्केनो के टाइप थे, ये सभी क्या हैं कि आपका जो लावा है वो अंदर ही कहीं ना कहीं पे एडजस्ट होके ठंडा हो रहा है। क्लियर? सो दीज आर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। फैकोलिथ्स क्या है? अ वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स एट टाइम्स इज फाउंड एट द बेस ऑफ द सिंक्लाइंस और टॉप ऑफ द एंटीक्लाइंस इन द फोल्डेड इग्नियस स्ट्राटा। क्लियर? सो सच वेवी मटेरियल हैव अ डेफिनेट कंड्यूट टू सरफेस बीनीथ इन द फॉर्म ऑफ द मैग्मा चैम्बर सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड एज बैथोलिथ्स, दीज आर कॉल्ड द फैकोलिथ्स। तो बैथोलिथ्स की जो पहली स्टेज है उसको क्या कह सकते हैं हम? फैकोलिथ्स, क्योंकि यही आगे चल के क्या बन जाएंगे? बैकोलिथ्स बन जाएंगे। और यहां पे आप सिंक्लाइंस या एंटीक्लाइंस, वेव लाइक स्ट्रक्चर होगा, वेव मास होगा इस तरीके से, मान लिया ऐसे। क्लियर? आपने देखा हो जैसे बर्फ जमती है ना, बर्फ ऐसे इस तरीके से एक पूरा का पूरा जो है इस तरीके से लटक जाएगा, तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनको कहा जाएगा फैकोलिथ्स। क्लियर? चलिए, तो सभी की सभी टाइप्स आपके पूरे हो गए हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। आई होप आपको ये सारा का सारा समझ आया होगा। सो आज के लिए हम यहीं तक जो हैं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।